नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर अंशुल महाजन, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, मानस क्लिनिक टैगोर नगर लुधियाने से आप सबका यूट्यूब राही स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन। सो आज का मेरा टॉपिक है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, फीमेल्स में मेंसेस से पहले होने वाले फिजिकल या मानसिक प्रॉब्लम्स को हम कोलैबोरेट करके प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। तो आप सोच रहे होंगे अब ये फिजिकल प्रॉब्लम्स या मानसिक प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं मेंसेस से पहले, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, मानसिक प्रॉब्लम्स में तनाव या कुछ फीमेल्स में डिप्रेशन की शिकार हो जाते हैं, व्यवहारिक दिक्कत आपने देखा होगा, चिड़चिड़ापन या मूड स्विंग्स में कभी खुश रहते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, गुस्सा बढ़ जाता है उनका, घबराहट बढ़ जाती है, साथ ही साथ बेचैन रहते हैं, पसीना आता है, नींद की प्रॉब्लम्स रहती है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, साथ ही साथ कुछ फीमेल्स में होपलेसनेस यानी कि जीवन को छोड़ने के या मरने के विचार आते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम्स यानी कि शरीर में दर्द, सर में दर्द, शरीर में जलन, पेट फूल जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, कुछ फीमेल्स में डायरिया या लूज मोशन की प्रॉब्लम्स भी देखी जाती है। तो ये है मेरे लक्षण ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अब मैं बताना चाहूँगा इसका कारण क्या है। कारण इसका अननोन है, पर कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं जो इसको प्रेसिपिटेट करते हैं। डाइट में हाई सॉल्ट कंटेंट से देखा जाता है सिम्टम एग्रेवेट हो जाते हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेने से भी देखा जाता है कि ये सिम्टम्स एग्रेवेट हो जाते हैं, हाई कैफीनेटेड ड्रिंक्स लेने से भी ये सिम्टम्स एग्रेवेट हो जाते हैं। ठीक है, मेंसेस के दौरान हार्मोनल चेंज होता है जिसके कारण फीमेल्स में मूड स्विंग्स की संभावना देखी जाती है। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कैसे इसका बचाव कैसे किया जाता है। देखिए, मानसिक भी इसका सबसे पहले बचाव के लिए हम डायग्नोस बनाना पसंद करेंगे। हम इसका डायग्नोसिस, जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, जो सिम्टम्स बताए हैं, उसके आधार पर हम इसका डायग्नोसिस बना सकते हैं। अब रही बात ट्रीटमेंट की, यदि फीमेल मानसिक रोग का शिकार है, जो मैंने बताया डिप्रेशन, घबराहट, एंग्जाइटी या स्लीप प्रॉब्लम्स, तो उनके लिए स्पेशल मेडिसिन होती हैं जिसे हम कहते हैं एंटी डिप्रेशन, जो कि सारा मानसिक एलिमेंट या मानसिक डिसऑर्डर्स को कवर कर लेती है। कुछ फीमेल्स में जैसे कि पेन होते हैं तो उनमें पेन किलर्स भी दिए जा सकते हैं, ठीक है, या हॉर्मोनल थेरेपी भी दी जा सकती है। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन भी हेल्पफुल होता है। एक मेडिसिन होती है पायरेकॉन्टेन, जो कि फीमेल्स को मेंसेस से पहले दी जाए तो उससे मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स कंट्रोल किए जाते हैं। साथ ही साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब कि आप योगा करें, मेडिटेशन करें और रेगुलर वॉक करें, अल्कोहल को अवॉइड करें, सॉल्ट अवॉइड करें। तो ये था मेरा वीडियो ऑन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। Thank you so much.